जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 1.5 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये बेसिकली ये ड्राफ्ट है, अभी तक ये बिल को पास नहीं किया गया है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पब्लिक डोमेन में इसको ला दिया गया, डाल दिया गया है, ताकि जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है या फिर नॉर्मल कोई इंडिविजुअल है, उसमें अपने सजेशंस डाल सके और उसके अकॉर्डिंगली जो भी बिल है उसको उसको मॉडिफाई किया जा सके और उसके बाद उसको पास किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले सेंसरशिप क्या होता है, क्या बोलते हैं सेंसरशिप, होता क्या है। हम लोग को ये बहुत ही बेसिक टर्म है, कॉमन टर्म है सेंसरशिप, मतलब सबको मालूम ही होगा। बेसिकली किसी भी फिल्म या फिर बुक या फिर टेलीविज़न या फिर किसी भी शो में कुछ ऐसा चीज़ ला दिया जाए जिसके कारण पॉलिटिकल, सोशल या फिर मोरल ऑर्डर को खतरा हो, ठीक है, तो उसको रोक दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसरशिप, ठीक है। और ये कौन करता है, ये तो ये CBFC करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जब भी फिल्म के ऊपर कुछ भी अगर लफड़ा होगा, कुछ भी अगर लगेगा कि हाँ ये पॉलिटिकल, सोशल या फिर मॉरल ऑर्डर के खिलाफ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, मॉरल ऑर्डर मतलब कि या फिर कुछ ऐसा सेक्स सीन दिखा दिया, फिर कुछ ऐसा हो गया, तो या फिर मतलब सोशल में आप दिखा सकते हो कि मान लीजिए सती प्रथा को कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, फिर कुछ और प्रमोट कर रहा है, तो कुछ भी दिख सकता है ऐसा, तो ऐसा कुछ दिखा रहा है तो उसको वो लोग बैन कर सकते हैं कि या फिर बोलेंगे कि ये लोग पार्ट को काट के निकाल दो भाई, ठीक है। तो CBFC ये काम करती है। CBFC एक स्टेचुटरी बॉडी है, जो 1952 का जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसके उसके बाद इसको स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। तो सेक्शन 3 के अंडर में ये बनता है, इसका जो इस एक्ट का सेक्शन 3 के अंडर में इसको बनाया गया है। ओके, तो देखिए इस ये हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है, सिनेमाटोग्राफ सेंसरशिप हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 2 बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, एक 1970 में था, एक 1989 में था, ठीक है। तो आप अगर सोचते हो कि इतना बड़ा बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे, SC इन KA अब्बास, यूनियन यूनियन ऑफ इंडिया, और या SC इन S रंगा राजन, ETC वर्सेस P रघजीवन राम, 1989, तो इतना टफ टफ नाम है, इतना नाम कैसे याद रखेंगे। तो आपको इतना पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आप एक छोटा सा अगर नाम भी याद रखते हो और 1989 लिख दोगे तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लिख दोगे कि अब इन सुप्रीम कोर्ट इन अब्बास केस इन 1970, इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1970 में ये बोला कि देखिए जो भी फिल्म्स वगैरह है वो इन्फ्लुएंस करती है बहुत बड़ी मास को, मतलब बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब एक फिल्म एक तरीका है बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो और एस रंगा राजन केस में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि देखिए ये माइंड को और इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है, ठीक है, तो ये डिजायरेबल नहीं है, ये नेसेसरी है इसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं कि नीड क्यों था, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस प्रपोज्ड बाय द करंट एक्ट, तो अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें क्या क्या चेंजेस लाने के लिए सरकार ने बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर बात की थी कि CBFC होता है, CBFC एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, उसको हम लोग सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं, हम लोग सेंसर बोर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग जानते थे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म बहुत लोगों को मालूम नहीं था लेकिन इसको बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, पॉपुलरली नॉन ऑन सेंसर बोर्ड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, तो क्या क्या प्रोविजन से क्या क्या चेंजेस लाया गया, देखिए यू और UA तो हम लोग देखे थे ना, ये हम लोग पहले भी देखते थे, जैसे जब मूवी स्टार्ट होता है तो बड़ा सा करके एकदम आता है, उसमें से बड़ा सा यू और ए लिखा रहता है, बाकी सब कुछ छोटा छोटा लिखा रहता है, तो ये यू और UA होता है, यू मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड और UA मतलब रिस्ट्रिक्टेड, मतलब पैरेंटल गाइडेंस चाहिए अगर 12 साल से छोटा बच्चा है तो, ठीक है। अब ये दोनों नहीं आएगा, अब ये तीनों आएगा, अगर 7 साल से बड़ा बच्चा है या फिर 13 साल से बड़ा बच्चा है या 16 साल से बड़ा बच्चा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 7 साल से बड़ा बच्चा और 13 साल से बड़ा बच्चा को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब कि कोई ऐसा कंटेंट है जो 7 साल से बड़ा बच्चा देख सकता है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा कंटेंट है कि 13 साल से बड़ा बच्चा देख सकता है लेकिन 7 साल से बड़ा बच्चा नहीं देख सकता है, तो 7 से 13 के बीच में ऐसा क्या चेंजेस आता है बॉडी में जो बच्चे नहीं देख सकते हैं कोई चीज़ को, तो मुझे ये बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है, किस तरीके से इसको कैटेगराइज करेगा इसको डिटेल में जानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अगर आपको क्यूरियसिटी है तो जानना चाहिए, मुझे तो अभी याद आया तो मैं तो जरूर देखूंगा इसको, ऐसा क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, मैं डिटेल में देखूंगा, जब बिल आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर दिया होगा तो मैं भी डिटेल में देखूंगा इसको, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, वैलिडेशन इन परपिच्युटी, इसका मतलब होता है
अनंत काल तक, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपको अनंत काल तक उसको परमिशन मिल जाएगा, लेकिन अभी का जो नियम है उसमें 10 साल तक ही परमिशन था, ठीक है। तो ये एक चेंजेस लाया गया, एक ये चेंजेस है, एक ये चेंजेस है, और तीसरा चेंजेस है कि रिविजनल पावर जो है गवर्नमेंट को दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि आप एक बार उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है, मान लीजिए कि दूसरी गवर्नमेंट आई, उसको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको वापस से वो शुरू कर सकती है, वापस से उसको एंड कर सकती है, वापस से उसको प्रोहिबिट कर सकती है बेसिकली, ठीक है। तो रिविजनरी पावर दिया गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। और आप इसमें सेक्शन 6 और सेक्शन 5B का एग्जाम्पल डाल सकते हो। देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें मैं बता दूं आपको कि कौन सा आपको पॉइंट में आपको एग्जाम्पल कोट करना है, कौन सी पॉइंट में आपको डेटा कोट करना है, और कौन सी पॉइंट में आप जनरल पॉइंट लिख दोगे तो काम चल जाएगा। देखिए ये समझना बहुत ईजी है। अगर आपके पास डेटा और एग्जाम्पल है उस पॉइंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास उस पॉइंट के लिए डेटा और एग्जाम्पल नहीं है तो कैसा कैसा पॉइंट है जिसमें आप जनरल पॉइंट लिख दोगे तो आप काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो पॉइंट है वो काफ़ी अलग है, यूनिक यूनिक टाइप का है समथिंग, ठीक है, आपका जनरल पॉइंट नहीं है, तो आप उसमें डायरेक्ट लिख दो। आपको ना ही एग्जाम्पल डालने की जरूरत है, ना ही उसमें डेटा डालने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, प्रोहिबिट अनऑथराइज रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, जनरल पॉइंट है कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो रोकना चाहिए, ठीक है, फिल्म पायरेसी होता है उसको रोकना चाहिए। लेकिन आप अगर 6AA लिख दोगे तो एग्जामिनर देखेगा, हाँ भाई इसको आर्टिकल सेक्शन याद है, ठीक है, सेक्शन याद है, ये अच्छा जानता है बंदा, इसको नंबर देगा, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ लिख दोगे तो भाई ये तो ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो हमारा डेफिनेशन में ही आ गया, फिर वापस से तुम क्यों लिखे हो इसको। लेकिन अब अगर आप ये लिख दोगे तो लगेगा हाँ भाई वापस से लिखा है तो ठीक लिखा है, याद था इसको इसलिए लिखा है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो आप आर्टिकल 71A टू प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज ऑन द वायलेशन ऑफ 6A, मतलब इसमें प्रोहिबिट करेगा और इसमें पेनल्टी डालेगा जो इसको मानेगा नहीं, ठीक है, जो जो पायरेसी करेगा बेसिकली। फिल्म पायरेसी आपको मालूम ही होगा, मतलब वो पायरेसी करते हैं ना, चोरी करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इस अमेंडमेंट में इश्यूज क्या क्या है। ऊपर जो था अमेंडमेंट था, लेकिन मैं बता दूं ये पास नहीं हुआ अभी तक, ये अभी तक ड्राफ्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर में जो भी था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहला तो प्रॉब्लम्स है हिंड्रेंस टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ बताया गया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, कि रिविजनल पावर दी गई है कि आप वापस से उसको स्टक डाउन कर सकते हो, तो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, आप ये याद नहीं रखेगा, ये याद तो ये यूनियन ऑफ इंडिया तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन आप KM शंकरप्पा केस लिख दीजिए, कर्नाटका हाई कोर्ट लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप KM याद नहीं है तो सिर्फ शंकरप्पा लिख दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बंदा है तो एक ही केस लड़ा होगा ना, कोई फेमस केस, ठीक है। तो शंकरप्पा केस इन कर्नाटका हाई कोर्ट लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। आप इसमें लिख दीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिविजनल पावर है, तो इस वाले हाई कोर्ट ने इस वाले केस में उसको स्ट्रक डाउन किया, उसको बोला कि ये खराब है, ठीक है, लेकिन जो नया प्रोविजन है उसको वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था 2000 में कि ये तो गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए, और इस वाले जो कोर्ट का जजमेंट था उसको सपोर्ट किया था। ओके, देखिए स्टाइफल्स क्रिएटिविटी, जो कि हम लोग जानते हैं, अभी मनोज वाजपेयी जी का जो हुआ था इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा हम लोग का अगर आप सेंसर लगाइएगा तो हम लोग जो गाली वाली देते हैं, हम लोग जानते हैं कि इतना इतना गाली होता है, इतना सेक्स सीन्स आता है आजकल के वेब सीरीज में, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई विलन है तो वो जो है भजन थोड़ी गाएगा, वो तो गाली देगा ना, आप उसको भजन गवाइएगा तो गलत है ना, आप जनता को गलत मैसेज दे रहे हैं, वो तो उसको लगे कि हाँ भाई विलन बनना भी बहुत अच्छा होता है, तो भजन करता है, अच्छा काम करता है, तो ऐसा नहीं होता है, विलन तो है गाली देगा, बंदूक चलाएगा तो गलत काम करेगा, तो आपको वही दिखाना जो सही है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि वेब सीरीज को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लीजिए, हमारा जो मिर्जापुर आया था उसको देख लीजिए, हमारा जो सेक्रेट गेम्स था जहाँ से हम लोग का वेब सीरीज का शुरुआत हुआ, बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज बनना शुरुआत हुआ, तो वहाँ पर देखिए कितना गाली था, तो वो सब का जो क्रिएटिविटी है हम लोग उसको मार दे रहे हैं सेंसरशिप लगा लगा के, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स लोग बोलते हैं कि अगर आप सेंसरशिप लगा दीजिएगा, हम लोग इतना मेहनत से सीन्स को शूट करते हैं और आप बोलिएगा सीन को काट देना, या फिर हम लोग का पूरा फिल्म को ही रोक दीजिएगा, तो हमारा तो बहुत लॉस होगा। अगेंस्ट प्रपोज डायरेक्शन ऑन द फिल्म सर्टिफिकेट, देखिए ये जो मुडगल कमेटी है 2013 का और श्याम बंगाल कमेटी है 2016 का, ये दोनों कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, गवर्नमेंट उसको नहीं माने, उसके खिलाफ सब कुछ बना दिए, ठीक
ठीक है, जो जो रिविजनल पावर्स हमने देखा था ऊपर में, हो सकता है कि ये दोनों कमेटी जो है उसके खिलाफ रिकमेंडेशन दी थी कि रिविजनल पावर नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया। ठीक है, और देखिए उसके बाद है इंजॉयज पावर टू सस्पेंड एंड रिवोक सर्टिफिकेशन। ऑलरेडी सेक्शन 5E और 5F के अंडर में गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी चीज़ को सस्पेंड करने के लिए, रिवोक करने के लिए। रिवोक मतलब कि अगर आप एक बार उसको पास कर दिए तो वापस से उसको आकर के हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये पावर है, फिर वापस से इसको पावर देने का अलग ही सेक्शन में क्या क्या मतलब क्या बनता है। ठीक है, तो हो सकता है उसके पीछे गवर्नमेंट का कोई खास मकसद हो कि उसमें कुछ कुछ खास क्लॉज डाला हुआ हो जिसके कारण गवर्नमेंट उसका किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, तो ये एक प्रोविजन्स है। ओके, अब देखिए श्याम बंगाल कमेटी का रिकमेंडेशन क्या क्या था। ठीक है, मतलब सारे रिकमेंडेशन तो नहीं दिए होंगे ना, वो तो बहुत मोटा सा रिपोर्ट जमा किया होगा, यहाँ तो 2-3 पॉइंट ही डाला हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जानने के लिए कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्टली कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा कि श्याम बंगाल कमेटी के बारे में बताओ भाई, उसका रिकमेंडेशन के बारे में बताओ, कि 2016 में आया था, आप 2021 में दे रहे हो, 20 में दे रहे हो, तो पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में, इस वाले जो कमेटी था उसका मेजर पॉइंट क्या था। ठीक है, यहाँ पर मेजर एक कम से कम मेजर पॉइंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 2016 में श्याम बंगाल कमेटी ने बोला था कि हमारा जो सीबीएफसी है, जो है ना सेंट्रल सेंसर बोर्ड है, वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रही है। मतलब ग्लोबल का जो गाइडलाइन है, ग्लोबल का जो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो नहीं कर रही है, इसका स्टैंडर्ड बहुत खराब है। ठीक है, और आप ये लिख सकते हो कि कंप्लीट राइट्स ऑफ राइट ऑनर ओवर फिल्म। तो इसका मतलब बेसिकली है कि अगर अगर कोई बंदा फिल्म को क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है, तो उसका पूरा राइट होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ है। मतलब उसको बोल रहा है कि हाँ भाई आप ज़्यादा सेंसरशिप मत लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन्फॉर्म्ड व्यूइंग डिसीजन लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो हमने देखा था ना ऊपर में कि गवर्नमेंट ने 7 साल, 13 साल, 16 साल का बांटा हुआ, तो और पहले था कि यू और यूए था डायरेक्ट। तो इस वाले कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि आप जनता पे भरोसा रखिए, अगर आपको लगता है कि उसमें सेक्सिन्स है तो उसको काटिए मत, उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि ये जो चीज़ है ये जनता 16 साल के ऊपर का बच्चे देख सकते हैं या फिर 18 साल के ऊपर बच्चे देख सकते हैं, नीचे बच्चे नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके का जनता पे भरोसा रखिए कि वो इन्फॉर्म्ड व्यूइंग डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सब रिकमेंडेशंस था। ठीक है, अब देखिए व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज इश्यूज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिव रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ बताया कि सेल्फ रेगुलेशन इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सेल्फ बोर्ड बना दे, वहाँ का जो हमारे जो मेजर डायरेक्टर्स हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों को मिला करके एक बोर्ड बनाते हैं, वो लोग खुद से रेगुलेट कर ले, तो गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा सा लोड घट जाएगा। ठीक है, राइट टू चूज एंड कंज्यूम कंटेंट। ठीक है, हम लोग उसमें सेंसरशिप डाल देंगे कि ये जो चीज़ है ये 18 साल के ऊपर का बच्चा देख सकता है, ये 7 साल के ऊपर का बच्चा देख सकता है। इस तरीके से कंटेंट वार्निंग दे करके हम लोग को जनता पे भरोसा रखना चाहिए कि वो लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 7 साल का बच्चा पॉर्न नहीं देखता होगा, देखता होगा, क्या पता, कोई गारंटी नहीं। आजकल के बच्चे 7 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बनाए घूमते हैं, क्या गारंटी वो लोग क्या करते होंगे। ठीक है, इथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनको जगह मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्टर का बेटा है उनको पहले चांस मिलना चाहिए, जो टैलेंटेड है भाई उनको जगह सही से मिलना चाहिए, जो उनको पहले मिलना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ सेंसरिंग पावर ऑफ दी स्टेट्स। यहाँ पर बेसिकली कॉमन पॉइंट है जो पूरा का पूरा हमारा जो इस रिपोर्ट है, हमारा जो ये टॉपिक है, उसका ये समरी है बेसिकली, कि हमें सेंसरशिप पावर जो है स्टेट का, उसको लिमिट करना है। ठीक है, उसको कम करना है। ठीक है, ये बेसिकली है। देखिए पब्लिक एजुकेशन इम्प्रूविंग प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट एक कम्युनिटी एट रिस्क, बेसिकली एक बहुत ही जनरल सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट मुझे उतना उतना स्ट्रांग नहीं लगा। बाकी सारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट है, काफ़ी अच्छे हैं, और एक दो पॉइंट आपको जुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, अगर आपको पॉइंट्स घट रहे हैं तो आप उसकी स्टेक होल्डर सोच लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे क्या स्टेक होल्डर्स क्या क्या होते हैं, पहले तो एक्टर्स होते हैं स्टेक होल्डर्स, फिर गवर्नमेंट होती है, फिर कोई बॉडी होती है, फिर जनता होता है। तो जनता के लिए तो एक ये पॉइंट है। ठीक है, और एक ये पॉइंट है, आप एक्टर के लिए भी डाल सकते हो एक दो पॉइंट। ठीक है, आप इसी पॉइंट को तोड़ ओड़ के एक्टर के लिए 2-3 पॉइंट डाल सकते हो, एक्टर के लिए किस तरीके से अच्छा हो सकता है सेंसरशिप बोर्ड। ठीक है, और ये तो है ही है, गवर्नमेंट के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, आप करोगे, कोशिश करोगे तो आपको जरूर कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, या फिर आप बोल दीजिए कि कम्युनिटी पार्टनरशिप होना चाहिए, या फिर बोल दीजिए कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए,
और इसमें जो वेज मिलता है ना लोगों को वो फिक्स नहीं हो सकता, उसको वेज को फिक्स करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि सी एस आर होता है, कॉरपोरेट में सी एस आर होता है, तो फिल्म जगत में भी सी एस आर होना चाहिए। सी एस आर का मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके का चीज़ों को भी आप डाल सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए, हमने पहले बताया था, एक सोशल करके एक मेरे पास, सॉरी स्पेशल करके मेरे पास एक एक टर्म है जिसको मैं हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। एस फॉर सोसाइटी, पी फॉर पॉलिटी, ठीक है, एस पी ई, ई फॉर इकोनॉमिक, एस पी ई, सी फॉर कल्चर। तो इस तरीके से पूरा बनाया मैंने। और भी एक मेरे पास टर्म बना हुआ है जिसको मैं यूज़ करता हूँ आंसर्स को, आंसर राइटिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो, वीडियो बनाना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे यूपीएससी पढ़ना होता है, फिर कॉलेज का पढ़ना होता है, टेस्ट होता रहता है, तो काफ़ी मुश्किल है। बट आई विल ट्राई टू डू दिस। सो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।